फ्रेंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलीमा लाइफ स्टाइल में आपको स्वागत है। तो फ्रेंड आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये एक होम रेमेडीज़ है। ये बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज़ है जो इसे अगर आप इसे समर में यूज़ करते हैं तो आपका डेफिनेटली टैन तो रिमूव होंगे ही, साथ में ग्लोइंग स्किन भी हो जाएंगे। और इसे आप अपने हाथों पर, नेक एरिया पे और फेस पे, पैर पर, हर जगह इसे यूज़ करके अपने फुल बॉडी को पॉलिश भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि इनमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट जो इस्तेमाल होगा वो है ये टमाटोज। जो टमाटोज को मैंने काटा है, काट कर उसका जूस मैंने बना लिया है। तो आप इस तरीके का जूस बना लें। देन जूस बनाने के बाद इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है कि बेसन। तो मैंने, मुझे जितनी मिकदार में चाहिए बेसन मैं बस उतना ही ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप ज़्यादा ले लेना। तो मैं सिर्फ फेस में यूज़ करने वाली हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। सो देखो आप कि मैंने इसे इसमें ऐड कर लिया है, मुझे जितनी चाहिए उतनी। और सेकंड मैंने ये डाला है। अब थर्ड जो आपका जाने वाला है वो है ये आपका एलोवेरा जेल। तो आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और अगर आपके घर में एलोवेरा जेल की पेड़ है तो और अच्छी बात है, वो उसको भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं थोड़ी सी एलोवेरा जेल ले रही हूँ इसमें जस्ट। और इसको, इसमें जो आपको ऐड करना है फोर्थ में वो है एक कच्ची दूध। तो मुझे जितनी मिकदार में चाहिए मैं उतनी क्वांटिटी में ले रही हूँ। इसका एक जस्ट एक पेस्ट बनाना है स्मूथ सा, तो आप उसी हिसाब से डालना और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना। सो ये देखो, और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इस बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ये कि क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा मिक्स करने के बाद। और इसका रिजल्ट ऑसम, लाइक आप इसे जस्ट एक बार ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी देना, मुझे कमेंट भी करना कि आप लोगों ने इस्तेमाल किया तो इसका रिजल्ट कैसा हुआ है। ये देखिए मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये बहुत ही अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर में ये एक फेस पैक बन गया है। और ये होममेड फेस पैक है। सो आपको इसमें कोई भी साइड इफेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। ये आपके ग्लोई और हेल्दी स्किन बनाएंगे। और आपको क्या करना है कि लगाकर जैसे इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है इस तरीके से लगाने के बाद, और इसे 15 से 20 मिनट तक छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद जब ड्राई हो जाए, तो जब पूरे अच्छे से ड्राई हो जाए, देन इसे ड्राई करने के बाद आपको क्या करना है कि रॉ मिल्क लेनी है। और रॉ मिल्क से ही आपको इसके ऊपर अच्छे से मसाज देनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से हल्के हैंडों से मसाज देनी होगी। सो मैं इस तरीके से करके आपको दिखा रही हूँ, बट मसाज धीरे धीरे फिंगर से आप मसाज देना पूरे फेस पे, और देने के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना। सो देन आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके फेस पे और बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना। ओके बाय बाय।